सबने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आज से आज़ादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड बनाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, ट्रिपल आईटी, आईआईएम जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है जिसमें माननीय मोदी जी 5 से ज़्यादा टनल हैं और 37 से ज़्यादा उसमें ब्रिजेज हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ ही 11,000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए लेकिन लाखों लाभार्थी जो है वो चाहे मुफ्त राशन हो चाहे पीएम की जो है वो मकान हो या आयुष्मान हो हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राज्य है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहाँ घर घर में जो है वो गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है। एक भी माता एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है। स्पीकर सर इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो मैं प्याज नहीं खाती, स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते तो बढ़ने दो हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं, पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। यह है महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे। मानसून सत्र के दौरान सांसद कंगना रनौत को क्या खूब धोया। उन्होंने कहा कुछ महानुभावों के अकॉर्डिंग 2014 के बाद ही देश में अच्छा काम हुआ, भारत आजाद ही 2014 में हुआ। इनकी लाख कोशिश के बावजूद भी आज दुनिया गांधी नेहरू का देश ही भारत को मानती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों संसद में कंगना रनौत बढ़ चढ़ कर मोदी सरकार की व्याख्या कर रही थी और इसी बीच कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे का एक भाषण सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जब दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो इनको महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुताबिक 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ, कुछ महानुभावों के मुताबिक तो देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को कोई टाल नहीं सकता। आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू ने ही रखी थी। यही नहीं परिणीति शिंदे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बजट पर घेरा। बजट पर हमला बोलते हुए निर्मला सीतारमण से उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार और ऐसी वित्त मंत्री से हम उम्मीद ही क्या करें जो प्याज के दाम बढ़ते पर सवाल कहती है कि दाम बढ़ते हों तो बढ़ने दो मैं प्याज नहीं कहती, ऐसे में स्कूल कॉलेज की फीस बढ़ती है तो बढ़ने दो हम शिक्षा नहीं भगत बढ़ाते हैं।
उन्होंने आगे कहा, बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में, लेकिन इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी की जंजीर में जकड़ी पड़ी रहने के बावजूद जिंदा है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? परिणीति ने कहा कि बीजेपी और उनकी नीतियों की वजह से ही हिंदू खतरे में है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सांसद का भाषण आपको कैसा लगा? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट भाषण हम आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।